हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में द डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे, लेकिन द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये भी तो चैप्टर 2 का ही है। तो अब ध्यान से देखिए, यू नो दैट फूड गिव्स अस एनर्जी। तुम जानते हो कि फूड क्या देता है हमें? एनर्जी देता है। डाइजेस्टेड फूड हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह क्या करता है, बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है उसको, डाइजेस्टेड फूड को, फूड को, डाइजेस्टेड फूड को बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंड द वेस्ट मटेरियल इन द फूड हैज टू बी पास्ड आउट। और बॉडी क्या करता है, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पास आउट करता है, बाहर करता है। बट टू बी एब्जॉर्ब्ड द फूड हैज टू फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू टीनी सिंपल पीसेस। लेकिन जो एब्जॉर्ब किया हुआ जो फूड है वह क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, टूटता है, छोटा पार्ट में टूटता है। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसी का नाम है डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड जो है स्मॉल पार्ट में जो हमारे बॉडी में टूटता है उसी को बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, द बॉडी सिस्टम विच डज दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, इस सिस्टम में द बॉडी सिस्टम विच डज दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी में जिस सिस्टम से होते हुए ये ब्रेकआउट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट द फॉलोइंग। देखो ये किस से बना है, किस तरह से बना है, क्या क्या चीज मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो पहला है द माउथ। सबसे पहले फूड कहाँ आता है जी, माउथ में आता है, इसीलिए इसको माउथ कर दिया सबसे फर्स्ट है। द माउथ वेयर द फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा एंड चेव्ड बाय द टीथ। पहले क्या करते हो माउथ में, वो टीथ से क्या करते हो, तुम चिवेट करते हो, चबाते हो, और क्या करते हो, मिक्स करते हो सलाइवा को, लार को क्या करते हो, सलाइवा मीन्स लार, वो तुम्हारे माउथ में होता है, वो उसको मिक्स भी करते हो तुम फूड को। ओके, तो माउथ का काम समझ गया। उसके बाद देखो द फूड पाइप, जो माउथ के अंदर से जो पेट तक पाइप गया है, जिससे होते हुए तुम्हारा भोजन पेट में जाता है उसको कहते हो फूड पाइप। द फूड पाइप दैट टेक्स द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमेज। वह जो फूड पाइप है वो कहाँ से कहाँ तक है, तुम्हारे माउथ से होते हुए तुम्हारे पेट तक गया, वह फूड पाइप हो गया, उधर से होते हुए फूड जाता है। उस पर देखो द स्टोमेक, स्टोमेक के बारे में देखो, द स्टोमेक क्या है, वेयर इट इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो क्या करता है, वह फूड को और भी अधिक ब्रोकन करता है, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन कर देता है। फूड देन गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तब वो फूड कहाँ चला जाता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। हियर फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। यहाँ आकर के क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीट, और ये क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड एब्जॉर्ब्ड हो गया, तो फूड आप समझते हैं जी, फूड क्या है, फूड तो जानते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ये सब फूड है। तो ये सभी फूड को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन।
और गोज इनटू द ब्लड, और वो ब्लड को पहुंचाता है। ये सारे फूड कहाँ चला गया, अब एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दिया। अब देखो द ब्लड टेक्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ब्लड क्या करता है, पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है, बॉडी के सभी पार्ट को। द वेस्ट फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो वेस्ट बच जाता है, जो बचा हुआ रह जाता है, जो फूड वेस्ट चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, यानी फूड नहीं कहो उसको, वो वेस्टेज सब्सटेंसेस को, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। एंड फ्रॉम द देयर इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और उसके बाद हुआ जो वेस्टेज मटेरियल है वो कैसे बाहर होता है बॉडी से, अन्नस के द्वारा। अन्नस का मतलब होता है जो वेस्टेज मल, जिसको निकास द्वार जो होता है, जो वेस्ट निकलता है बाहर, उससे निकल जाता बाहर। ओके, तो इस तरह से ये क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, धन्यवाद।